طلاقٌ سبع أصل. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, आप देख रहे तामिल इरशाद का मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ हिबा बे। नाज़रीन, आज रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा था। हम इस वक्त मौजूद है अस्तान आलिया दरगाह हज़रत बल में। यहाँ भी लोगों की कसीर तादाद हमें देखने को मिली। लोग यहाँ नमाज अदा करने के लिए आए। यहाँ पर हमारे साथ एक लोकल मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अंकल, आप कहाँ से आए? मैं छतरामा हज़रत बल से आया। आते हैं आप यहाँ नमाज? जी, हर रोज जुमा। क्या कुछ दुआ रही है आज? आज माह मुबारक का आखिरी जुमा है। आज अल्लाह ताला से हमने मगफरत मांगी है, अपने गुनाहों की मगफरत मांगी है। ये पूरी उम्मीद अल्लाह ताला में आज बख्शी जाए। कश्मीर के लिए, अमन के लिए दुआ की है इमाम हुसैन ने भी, हम लोगों ने भी दिया सर। बिल्कुल सही है ये बात। हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं। मेरा दादा भी आता है, बाप भी आता है, दादा परदादा भी आता है, सब लोग हमारे खानदान के आते हैं। हर जुमा यहाँ आते हैं, यहाँ नमाज पढ़ते, वापस जाते, फिर रहमत ले जाते हैं घर में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पर हमारे साथ एक लोकल मौजूद थे। नाज़रीन, आपको फिर से बता दें कि हम इस वक्त मौजूद हैं अस्तान आलिया दरगाह हज़रत बल के बिल्कुल बाहर। और यहाँ पर आज आप देखेंगे, यहाँ पर आज जुमातुल विदा था। वैसे तो रमज़ान की फजीलियत हम क्या ही बयान करें। खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर आपको, अगर लोगों को पता चलेगा कि रमज़ान की क्या फजीलियत है, तो वो हर साल दुआ करेंगे कि पूरे साल ही रमज़ान रहे। तो वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रमज़ान की फजीलत जो है वो अहदीसों में बयान की है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मतुल विदा से आल खसूस ऐसे मगफिरत खतर मंगान खुदावनी करीम दबान, या अल्लाह सानि रोज कर कबूल, असि लगि रोजदार सत्य। अल खसूस से मंगान बे वन खास कर मुल्क कश्मीर खतरे यथ बाबरकत रेतस मन अमन, दपान खुदाय अमन बहार, इस्लाम बहार। इस्लाम से कामयाबी मिले, मुसलमान कामयाब, मुसलमान गतफा गुन अस ग दरबदर गिन क्रुशल वक्त मन अमी आमद योर आग सिंदिस दरबार मंदी तुफेल अम सी वसादत दपान खुदाय अस कर वन मगफिरत अम जानित मनित अमदन कसदन गना गम तिम कर सारे मगफिरत सोन दुआ कर आज कबूल बेलेख सशीबस हज बा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। श्रीनगर रोजान लाल बाजार नजदीक से मतलब जुमतुल विदा आखिरी जुमान वाह रमजान यहाँ मे अल्लाह ताला शान लूकन मगफिरत कर लच बदी लूकन तो इन मजलिस मकसद ये इजतम मकसद ये कि यहाँ मे कह नेक लूक तल्ला तला बुत जार बार कर वद वद कर और तम सी सी अस मजलिस सारे मगफिरत ग सो उम्मीद हेत चाहे जाम मस्जिद श्रीनगर बंद अनफॉर्चुनेटली या दरगाह या बाकी इन जायन अवे इजतम ग ताकि पूरे उमत गुनहन मगफिरत अल्लाह ताला कर पे रहमत से नवाज। बात वही है जैसे मतलब चलती रहती है अफूमन तोहिबुल्लाफाफानी, या जितने भी मुसलमान हैं पूरी दुनिया में जो परेशानी हाल है, जो मजालिम हो रहे हैं, तो मौलवी साहब ने भी उनके लिए भी दुआएं की। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो आइंदा दिन जो आने वाले हैं वो मुसलमान पूरी उम्मत के लिए जो है खुशहाली का जो है वो हम देख सकें। जो पूरी दुनिया है इस परेशानी में मुबतला, सो गई इंशाल्लाह सो परेशानी गई दूर। बेच अल्लाह ताला से यही दुआ कि मैं रोज थाई रमजान दुआ गई अल्लाह ताला करें सारी दुआ। फिलहाल आप देखें कि यहाँ पर लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर है दरगाह हज़रत बल। आज ही नहीं बल्कि अगर हम बाकी दिनों की भी बात करें तो मशहूर है ये। यहाँ पर आप देखेंगे कितने सारे लोग मर्द व जन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अल्लाह ताला की बारगाह में ये हाथ उठाते हैं। लोगों का अकीदा है, लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर वो अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाते हैं तो उनकी दुआएं जो है
وہ یہاں پر قبول ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ مرد و زن چھوٹے بڑے سارے یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر وہ آج جمعۃ الوداع یعنی آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا، تو یہاں پر آج وہ آئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی۔ انہوں نے ایک لوکل سے بھی ہم نے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے انہوں نے کشمیر کے امن کے لیے بھی خصوصی دعا کی ہے۔